हमने एक्सरसाइज 2.4 के 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस वीडियो के अंदर हम उसका 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो इस क्वेश्चन के लिए मैं एक ही वीडियो बना रहा हूं, मतलब एक ही वीडियो के अंदर मैं ये पूरा क्वेश्चन कवर करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक सेलर है जिसका नाम है हसन, वो दो टाइप के क्लोथ मटेरियल खरीदता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। एक तो वो शर्ट के लिए मटेरियल खरीदता है और एक वो ट्राउजर के लिए मटेरियल खरीदता है। तो जो शर्ट का मटेरियल है उसकी कॉस्ट उसको पड़ती है 50 रुपीज पर मीटर, मतलब अगर वो 10 मीटर खरीदेगा तो वो उसको पड़ेगा 500 रुपए का। ट्राउजर के लिए जो मटेरियल खरीदता है उसको वो पड़ता है 90 रुपए पर मीटर, मतलब 1 मीटर के लिए उसको 90 रुपीज देने पड़ते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटीरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट मटीरियल। मतलब कि वो जितना भी ट्राउजर का मटेरियल खरीदेगा ना उसका उसको 3 टाइम, मतलब कि अगर वो 2 मीटर खरीदेगा ट्राउजर का तो उसको 3 मीटर खरीदना पड़ेगा शर्ट का मटेरियल। तो रेशियो हो जाएगा 2:3, मतलब अगर वो 2x खरीदेगा ट्राउजर के लिए तो उसको 3x मटेरियल खरीदना पड़ेगा शर्ट के लिए। तो हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं। हम यहां पर लिखेंगे लेट 2x मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल एंड 3x मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल बी बॉट बाय हिम। मतलब कि वो 2x का ट्राउजर मटेरियल खरीद रहा है और 3x मीटर शर्ट मटेरियल खरीद रहा है। तो हमने पहले ये चीज तो डिफाइन कर ली है कि अगर वो 2x मीटर खरीद रहा है ट्राउजर के लिए तो वो 3x मीटर खरीदेगा शर्ट के लिए, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड लाइन लिखी हुई है, ही सेल्स एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। मतलब जैसे कि यहां पर था ना ट्राउजर और शर्ट, ट्राउजर खरीद रहा है वो 2x, शर्ट खरीद रहा है वो 3x मटेरियल मीटर, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि वो जो ट्राउजर है उसको वो बेच रहा है 12% के प्रॉफिट में और शर्ट को वो बेचता है 10% के प्रॉफिट पे। मतलब वो जितना भी ट्राउजर के लिए खरीदेगा उसको वो 12% एक्स्ट्रा करके बेचेगा, जितना भी वो शर्ट के लिए खरीदेगा उसको वो 10% एक्स्ट्रा करके बेचेगा। मतलब अगर उसने ट्राउजर खरीदी है लेट से 100 रुपीज की तो वो उसको बेचेगा 112 रुपए में, मतलब कि 100 प्लस 12% ऑफ 100 इतने में बेचेगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 प्लस ये 100 से 100 कैंसिल प्लस 12 यानी कि 112 इतने में बेचेगा, ठीक है। और अगर वो शर्ट खरीद रहा है 100 रुपीज की तो वो उसको बेचेगा 110 रुपए में, क्यों, 10% प्रॉफिट पे। तो क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि वो पर मीटर कितने पे बेच रहा है, मतलब कितने पे खरीद रहा है, सेलिंग प्राइस हमें पता है उसका पर मीटर का। अब हम सॉरी हमको बाइंग प्राइस उसका पता है पर मीटर का, अब हम निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस क्या होगा उसका पर मीटर का। तो ट्राउजर का जो उसका बाइंग प्राइस है वो है 90 मीटर, अब हम निकालेंगे उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर पर मीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, उसका बाइंग प्राइस प्लस 12% ऑफ उसका बाइंग प्राइस। तो ये जाएगा 90 प्लस 12% ऑफ 90, ऐसा कुछ। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 90 प्लस, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 12 9 1 0 8 अपॉन 10, यानी कि ये हटेगा तो यहां पे एक डेसिमल आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 प्लस 10.8, यानी कि 100.8, है ना, 90 और 10 ये हो जाएगा 100 और 0.8 तो ये हो जाएगा 100.8। तो इसकी वैल्यू आ गई 100.8 रुपीज पर मीटर, मतलब वो 90 रुपीज पे खरीद रहा है पर मीटर और पर मीटर वो 100.8 रुपीज पर बेच रहा है। इसी तरह से हम सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहां पर आएगा, यहां पर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल पर मीटर इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, कितने पे खरीद रहा है वो 50 पे खरीद रहा है ना, तो और बेच कितने पे रहा है, 50 प्लस 10% प्रॉफिट पे। तो 50 प्लस 10% ऑफ 50 ये कितना हो जाएगा,
ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 150 इंटू 200 होता है, और यहां पर आ जाएगा 2 5 10, तो ये इक्वल हो जाएगा 55 के। मतलब वो 50 रुपीज पर मीटर पे खरीद रहा है और 55 रुपीज पर मीटर पे वो बेच रहा है, तो यहां पर आ जाएगा रुपीज 55 पर मीटर। यहां पर भी ऐसे लिखना है RS 100.8 पर मीटर, ठीक है। तो हमने निकाल लिया सेलिंग प्राइस पर मीटर के हिसाब से। तो अब क्वेश्चन के अंदर है कि टोटल सेल है उसकी 36,000 की, मतलब 36,660 की, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल ही बाय। तो हमें पता लगाना है कि उसने टोटल ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा था। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना ट्राउजर मटेरियल उसने खरीदा था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, हमें पता है कि उसने टोटल सेल करी है 36,660 की। तो आप बताओ टोटल सेल कितनी, क्या कैसे हम निकाल सकते हैं, जितने में वो ट्राउजर मटेरियल बेच रहा है इनटू जितने में जितना उसने ट्राउजर मटेरियल बेचा है। तो उसने जितना ट्राउजर मटेरियल खरीदा होगा जो कि 2x है, उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं जितने में वो पर मीटर बेचता है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि उसने ट्राउजर का मटेरियल कितने में बेचा है, टोटल ट्राउजर मटेरियल कितने में बेचा है। इसी तरीके से हम शर्ट का निकाल लेंगे कि शर्ट का टोटल मटेरियल उसने कितना खरीदा है, 3x, और उसने बेचा कितने में है, 55 के रेट पर। मतलब उसने 3x मीटर खरीदा है और 1 मीटर उसने बेचा है 55 रुपए के हिसाब से। तो टोटल उसने शर्ट मटेरियल कितने में बेचा होगा, जितना उसने खरीदा था, और पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, तो 3x इंटू 55। एक बार फिर से देखते हैं कि इक्वेशन कैसे आई है। ये चीज इतनी जो टर्म है ये है कि उसने ट्राउजर बेचकर कितने पैसे कमाए हैं। तो वो क्या हो जाएगा, जितना उसने ट्राउजर मटेरियल बेचा है, तो इसने, हम अज्यूम कर रहे हैं जितना उसने खरीदा सारा उसने बेचा था, तो 2x उसने बेचा है, 2x मीटर उसने बेचा है, और 1 मीटर उसने बेचा है 100.8 के हिसाब से। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी जितना मटेरियल उसने बेचा है इंटू 100.8। इसी तरीके से शर्ट की कितनी कॉस्ट आई है, जितने उसने शर्ट बेचे हैं, तो 3x मीटर के उसने शर्ट बेचे हैं और 1 मीटर उसने बेचा है 55 रुपए में, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 3x इंटू 55, ठीक है। तो ये आ गई इसकी टोटल सेल, और इसकी वैल्यू है 36,660 इसके इक्वल। तो यहां से हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2x इंटू 100.8। तो 100.8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 8 इंटू 2 16, 1 कैरी, यहाँ पे 0 1 0 2, तो ये आ जाएगा 201.6, 201.6x प्लस 55 इंटू 3। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 इंटू 3, 3 5 15, 3 5 15 6, तो ये आ जाएगा 165x, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 366, एक और 6 और 0, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, रफ में ऐड करते हैं, 201.6 प्लस 165, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहां पर आएगा 0.6, यहां पे भी 6, यहां पे भी 6, और यहां पे 3, तो ये आ गया 366.6x इक्वल्स टू 36660, ठीक है। तो यहां तक आंसर आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स हम यहां पे रखेंगे, इस साइड पर हम 36660 इसको हम डिवाइड करेंगे 366.6 से, इससे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करके क्या आंसर आएगा, देखो ऐसे लिखा हुआ ना, 36660 अपॉन 366.6। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम ये पॉइंट हटाएंगे और ऊपर एक और जीरो आ जाएगा। अब देखो ये भी 3666 है, ये भी 3666 है, तो अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्स की वैल्यू आ गई 100। तो एक्स की वैल्यू आ गई 100, मतलब कि जो रेशियो था दोनों के बीच में वो था 100 का। तो उसने जो शर्ट का मटेरियल खरीदा था वो कितना खरीदा था उसने, 2x, यानी कि 2 × 100 यानी कि 200। तो उसने 200 मीटर खरीदा है शर्ट का मटेरियल, सॉरी ट्राउजर का मटेरियल, शर्ट का मटेरियल उसने खरीदा था 3x यानी कि 300 मीटर।
तो हमारा आंसर है कि उसने टोटल ट्राउजर मटेरियल खरीदा है 200 मीटर। इसे हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 200 × जितना वो प्रॉफिट ले रहा था ट्राउजर के ऊपर, प्लस शर्ट का मटेरियल कितना था, 300 × जितना वो शर्ट पे ले रहा था। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आना चाहिए 3660, ये आंसर आना चाहिए। आप इसको सॉल्व करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये आंसर सही आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।